अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करेंगे यहाँ पे MI 11 लाइट के। अब ये जो फ़ोन है हमें यहाँ पे पीच पिंक कलर के अंदर देखने को मिल रहा है, 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। बहरहाल आज की वीडियो में हम MI 11 लाइट की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लीजिए, तो फ्रंट पर आपको एक छोटी सी लिड देखने को मिल रही है, इसके ऊपर Xiaomi को मैंशन किया गया है। अगर हम यहाँ पे लिड को ओपन कर लें तो भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हमारा सिलिकन केस, जिसकी जो क्वालिटी है वो डिसेंट ही देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पर हमें पेपर वर्क भी देखने को मिलता है जो कि इंग्लिश के अंदर मेंशन किया गया है। और अगर हम बात करें जो कि साइड पे एक हमें फ्लैप भी देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर जो है इसको मैं ओपन कर लूँ तो भाई यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक 3.5 mm ऑडियो डोंगल, जो कि यार यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता ऑडियो जैक MI 11 लाइट के अंदर। ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स डोंगल भी देखने को मिल रहा है, ताकि आपको आउटसाइड से परचेज ना करने की जरूरत पड़े। तो यार ये है हमारा MI 11 लाइट। फ्रंट पे आपको कुछ मेन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, जिसको अंदर हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैप को रिमूव कर लें तो यार इस स्मार्टफोन कलर है ना यार, मुझे काफ़ी पसंद आया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाच तौर पर बताइएगा। यार इसका जो कलर है ना वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिलता है। तो जल्दी से मैं फ़ोन को टर्न ऑन कर लेता हूँ, ताकि हम स्मार्टफोन सेटअप करके आपको स्मार्टफोन फर्स्ट लुक दिखा सकें। उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। साथ ही अगर हम बात करें स्मार्टफोन चार्जिंग ब्रिक की, तो यहाँ पर आपको 33 वॉट की एक पावर ब्रिक देखने को मिलती है, जो कि एक लोकलाइज पिन के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। साथ ही मोर बॉक्स कंपोनेंट्स की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको एक Xiaomi की केबल देखने को मिलती है, जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आती है। तो गाइस बॉक्स हो चुका है खाली, बॉक्स को मैं रख देता हूँ एक साइड के ऊपर ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना दे। तो भाई अगर हम आए अपनी डिवाइस के ऊपर, तो यार ये है फर्स्ट लुक ऑफ MI 11 लाइट इन पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले ही इसकी जो है अनबॉक्सिंग डाल दी होगी, लेकिन मैं लेट डाल रहा हूँ। अगर हम बात करें स्मार्टफोन फिजिकल ओवरव्यू की, तो साइड में आपको पावर बटन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट पे जो है आपको छोटा सा पंचोल देखने को मिलता है। ऊपर वाली साइड के ऊपर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक, आयर ब्लास्टर्स भी देखने को मिलते हैं। नीचे वाली साइड के अंदर आपको टाइप सी की केबल देखने को मिलती है, जो कि कनेक्टिविटी है। और साथ हमें यहाँ पर स्पीकर ग्रिल भी प्रोवाइड की गई है। अगर मैं बात करूँ ना स्मार्टफोन की सिम ट्रे की, अब जल्दी से मैं अपनी सिम ट्रे को बाहर निकाले तो ताकि मैं आपको इस स्मार्टफोन की सिम सिचुएशन बता सकूं। तो यार यहाँ पर आपको डुअल सिम का स्लॉट देखने को मिलता है, यानी कि आप एक सिम और एक SD कार्ड चला सकते हैं एक टाइम पे, या दो सिम ही आप चला सकते हैं एट अ टाइम। अगर हम बात करें ना स्मार्टफोन कैमरा सिचुएशन की, तो भाई बैक पे आपको 64 MP का मेन सेंसर, 8 GB और 5 MP देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ना स्मार्टफोन क्वालिटी की, तो यार क्वालिटी सीरियसली आउटस्टैंडिंग देखने को मिलती है, या जैसा कि आप इमेज में देख ही पा रहे होंगे। अगर हम बात करें ना यार स्मार्टफोन कलर डायनेमिक रेंज की, तो वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। जो कलर तो आते हैं वो काफ़ी पंची देखने को मिलते हैं, और इतनी कोई बुरी कैमरा क्वालिटी आप इसको नहीं कह सकते। अगर बात कर लीजिए स्मार्टफोन बैक डिज़ाइन की, तो यार बैक डिज़ाइन सीरियसली मुझे तो काफ़ी पसंद आया। Xiaomi ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। बैक पे आपको जो है थोड़ा सा बम देखने को मिलता है, जो कैमरा का हाउसिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि Xiaomi की MI 11 सीरीज जो है एक फ्लैगशिप सीरीज है, और वैसा ही आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है, क्योंकि एक लाइटर वेरियंट है। बड़ा वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाकर ऑल पे क्लिक कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।